नमस्ते, आज हम काबली चने के छोले बनाएंगे। काबली चने के छोले को रात अच्छे से साफ करके रात भर भिगो दीजिए या 6-7 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके साथ थोड़े से चने की दाल को भी भिगो दीजिएगा। हम दोनों को मिला करके आज छोले बनाएंगे। अब चने को बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। थोड़ी से चने की दाल है, उसको भी साथ में डाल देते हैं। एक बड़े साइज का आलू छील करके डाल दीजिए, अच्छे से छील के धो करके। फिर जितना चना उसके ऊपर तक थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, लगभग एक बड़ी कटोरी है। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा, करीबन 1/4 से भी थोड़ा खाने वाला सोडा डाल देते हैं। अब इसको प्रेशर आने तक पहले हाई फ्लेम पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद जब एक प्रेशर आएगा तो लो फ्लेम पे 5 मिनट तक रखेंगे। तब तक हम इधर तैयारी करते हैं। कढ़ाई गैस पे रख देते हैं, उसके बाद 1 टेबल स्पून तेल डालते हैं, उसके बाद 2 तेज पत्ते, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और बड़ी इलायची को तोड़ लीजिएगा, तोड़ के डाल दीजिए, 1 बड़ी इलायची है, जीरा 1 छोटा चम्मच, अजवाइन थोड़ा सा, इसको धीमी आंच कर लेते हैं नहीं तो जल जाएगा, थोड़ा सा हींग, उसमें 2 टमाटर कटे हुए, हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच छोले मसाले, इसकी जगह पे आप सूखा धनिया और गरम मसाला डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट डाले हैं इसलिए आप थोड़ी सी डालिएगा अपने टेस्ट के अनुसार। मसाला देखिए भुन गया है, तेल छोड़ रहा है। अब 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे, 2 टमाटर कटे हुए डालें मसाले में और 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ता है। मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए 5 मिनट हो गया है, देखिए अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। अब इसके में 1/2 चम्मच चीनी डाल देंगे। इधर देखते हैं प्रेशर इसका निकल गया होगा, निकल गया। एक मैं भूल गई हुई थी, इसमें चाय की पत्ती का पोटली या तो आंवले, 2 सूखे आंवले डाल दीजिए। मैं 2 सूखे आंवले डाली हुई थी, बताना भूल गई थी। इसको निकाल लीजिए, आलू निकाल लेते हैं, इसको कट कर देंगे छोटे छोटे पीस में। चने को देखते हैं, देखिए अच्छे से पक गया है, बिल्कुल दबाने भी देखिए अच्छे से एकदम पक गया है, मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब चने को डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा नमक डालिएगा, क्योंकि चने में नमक डाल चुके हुए थे, इसे थोड़ा सा ही 1/2 चम्मच से भी कम नमक डालिएगा, ये अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, लास्ट में डाल दीजिए। थोड़ी सी भुना हुआ जीरा है, जीरे का पाउडर, उसको डाल दीजिए। और अपने स्वाद के अनुसार इसमें पानी डालिए, कितना गाढ़ा चाहे पतला आप अपने अनुसार डाल लीजिए। अब इसको चावल चाहे पराठे पूरी के साथ खाइए। और ये टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं आलू को, इसको डाल के मिला लेते हैं।
अब गैस ऑफ कर देते हैं। आपका चने का छोला बनके तैयार हो गया। ये काबली चने के छोले देखिए बनके तैयार हो गया है। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी बहुत है। आप खाइए और बताइए, कमेंट लिख के बताइए कि कैसा बना हुआ है। आप भी बना के बताइए।